उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे फार्मर की स्टोरी सुनाऊंगी हु ऑलवेज डिपेंडेड ऑन अदर्स फॉर हिज वर्क। और इस हैबिट के कारण उसको एक बार बहुत नुकसान हुआ। एंड देन ही डिसाइडेड व्हाट। लेट अस लिसन टू दिस स्टोरी द डिपेंडेंट फार्मर एंड फाइंड आउट व्हाट डिड ही डिसाइड। देयर वॉज अ बिग फील्ड। उसी खेत में एक स्पैरो अपनी 3 न्यू बॉर्न बेबीज के साथ रहती थी। द स्पैरो नेम्ड हर बेबीज चिनी मिनी एंड टिनी। उसने अपने बच्चों का नाम चिनी मिनी और टिनी रखा। एवरी मॉर्निंग स्पैरो फूड की तलाश में बाहर जाती और शाम को लौट करके वापस आती। तब तक चिनी मिनी और टिनी यूज टू प्ले। वे सारा दिन खेलते कूदते रहते थे और इवनिंग में जब उनकी मदर फूड लेकर के आती तो सभी मिलजुल करके एक साथ खाना इंजॉय करते। दे ऑल इंजॉयड फूड टुगेदर इन द इवनिंग एंड दिस इज हाउ Their days were passing happily। इस तरह से उनके दिन खुशी खुशी अच्छे से गुजर रहे थे। This field belonged to a farmer named Sidhu, who was always dependent on others for his work and never did his work in time। जो हमेशा दूसरों के सहारे रहता था और स्वयं कभी अपना काम नहीं करता था। One day, when the sparrow had gone out in search of food, the farmer came with his son to see the crops। फसल को देख करके किसान को लगा, अरे फसल तो पक गई है। I will ask my relatives to cut the crops। मैं अपने रिश्तेदारों से कहूंगा कि वे मेरी फसल काट दें। किसान की बात को सुनकर चिनी मिनी टिनी गॉट अफ्रेट। डू यू नो व्हाई? बिकॉज देयर विंग्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड दे कुड नॉट फ्लाई। इसलिए वे बहुत डर गए एंड दे ईगरली वेटेड फॉर देयर मदर। इन द इवनिंग When the sparrow came back, और उसने अपने बच्चों को डरा हुआ देखा तो बोली, What happened, my dear babies? चिनी मिनी टिनी ने ची 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 करते हुए अपनी मदर को फार्मर की पूरी बात बताई। The sparrow laughed, Don't worry, my babies. The farmer's relatives will not come to cut the crops। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसान के relatives crops काटने नहीं आएंगे। And we can stay here for some more days। और इस तरीके से बच्चों कोई फसल काटने नहीं आया। And as usual days passed by। दिन उसी तरीके से बीत रहे थे। After some days The farmer again came to his field with his son और crops को देख करके बोला, My relatives did not come to cut my crops। मेरे relatives ने मेरी फसल नहीं काटी। Now I will ask my neighbors to cut my crops। And Chini Mini Tini, who were playing nearby, heard the farmer's talk। And once again they got frightened and waited for their mother to come back। स्पैरो अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर समझ गई
कि आज फिर किसान क्रॉप्स को देखने आया होगा और उसने अपने बच्चों से पूछा। चिनी मिनी टिनी ने किसान की पूरी बात अपनी माँ को बताया कि किसान कह रहा था कि नाउ आई विल आस्क माई नेबर्स टू कट द क्रॉप्स। एज यूजुअल स्पैरो मुस्कुराई और बोली, वी शुड नॉट वरी, वी कैन स्टे हियर फॉर सम मोर डेज। हम लोग और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं, उनके पड़ोसी फसल काटने नहीं आएंगे। डेज पास्ड बाय, नो वन केम टू कट द क्रॉप्स। वन डे द फार्मर केम ऑल अलोन टू हिज फील्ड। एक दिन फार्मर अकेला ही अपनी फील्ड में आया और अपनी क्रॉप्स को देखकर दुखी हो गया। वह दुखी होकर बोला, आई आस्क्ड माय रिलेटिव्स एंड माय नेबर्स टू कट माय क्रॉप्स, बट दे डिड नॉट कम एंड कट माय क्रॉप्स। मेरी फसल पक गई है और उसके दाने जमीन पर गिरने लगे हैं और कोई मेरी फसल नहीं काट रहा है। यदि और इसको कुछ दिन नहीं काटा जाएगा तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। यह सब सोच कर मन ही मन में किसान बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि उसका काम करने कोई नहीं आया था। बच्चों, फसल को बर्बाद होता हुआ देख करके फार्मर डिसाइडेड टू कट द क्रॉप्स हिमसेल्फ। उसने सोचा कि अब मैं अपनी फसल स्वयं काटूंगा, मैं किसी के सहारे नहीं रहूंगा। यदि मैं किसी के सहारे रहा तो मुझे कुछ भी अनाज नहीं मिलेगा। ऐसा सोच करके किसान वापस घर चला गया। दैट इवनिंग व्हेन द स्पैरो केम बैक, चिनी मिनी टिनी ने अपनी माँ को किसान की सारी बात बताई। दे सेड दैट द फार्मर वॉज सेइंग दैट ही विल कट द क्रॉप्स हिमसेल्फ, कि किसान स्वयं कल फसल काटने की बात कह रहा था। तो बच्चों, मालूम है व्हाट डिड द स्पैरो से? स्पैरो ने क्या कहा? यस, द स्पैरो सेड दैट वी शुड फ्लाई अवे फ्रॉम हियर बिफोर द फार्मर कम्स टू कट द क्रॉप्स। लेकिन बच्चों, अपनी मदर की बात सुनकर चिनी मिनी टिनी वर वेरी सरप्राइज्ड। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मम्मा इस बार हम लोगों को उड़ने के लिए क्यों कह रही हैं। बट दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द मदर वॉज सेइंग सो। चिनी मिनी टिनी दे आस्क्ड देयर मदर, मम्मा व्हाई शुड वी फ्लाई अवे फ्रॉम हियर टुमारो? As the relatives and neighbors did not come to cut the crops, the farmer will also not come. We can stay for some more days here. जैसे उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी खेत काटने नहीं आए थे, वैसे ही किसान भी नहीं आएगा। स्पैरो ने अपने बच्चों को समझाया that the farmer had decided to cut his crops himself. And he will definitely come to cut his crops. अब तक चिनी मिनी टिनी के विंग्स भी स्ट्रॉन्ग हो गए थे and they understood everything told by their mother. ची ची ची, तो चिनी मिनी टिनी they all happily flew away from there with their mother to some other place. So children, always depend on yourself. Never own others for your work. You can take help, but don't totally depend on them.